सो हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है। तो फाइनली यार आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ Redmi Note 6 Pro के लिए Google कैमरा 7.2 जो कि काफ़ी स्मूथली वर्क कर रहा है और मोस्टली हर चीज़ इसके अंदर काम करती है। ये चीज़ सबसे बड़ी वाली बात है क्योंकि यार Google कैमरा अगर आप आओगे 600 सीरीज में स्नैपड्रैगन के तो बहुत ही अच्छे से वर्क नहीं करता है, स्मूथ नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे ये गूगल कैमरा का मोड यार जो कि गूगल पॉइंट 7.2 पे चलता है वो फिलहाल के लिए काफ़ी अच्छा चल रहा है अपने Redmi Note 6 Pro में, जो कि ठीक ठाक यहाँ पे रहता है और पिक भी आपको क्लिक करके दे देगा छोटे मोटे बक्स के अलावा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार नीचे रेड कलर का बटन मिलेगा उसको प्रेस करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो यहाँ पे यार मैंने कल शेयर करा था ये गूगल कैमरा के बारे में अपने कम्युनिटी टैब में, तो अगर आप घंटी का आइकन नहीं दबाया तो दबा दो जिसमें आपको अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। तो कम्युनिटी टैब में मैंने यार एक चीज़ नोटिस करी, एक दो लोगों ने कमेंट करे हैं कि यार कैमरा टू API अगर नहीं एनेबल उसके करने के बिना आप बताओ कैसे गूगल कैमरा यूज़ करेंगे नोट 6 प्रो में, तभी आप बताना। देखो तो उनके लिए तो मैंने यार वहाँ पे कमेंट रिप्लाई दे दिया था, लेकिन आपको भी बता देता हूँ। तो गूगल कैमरा यहाँ पे Redmi Note 6 Pro में पहले से कैमरा टू API नहीं अनेबल रहता है, जिसकी वजह से गूगल कैमरा नहीं चल पाता है। उसको अनेबल करने के लिए मैंने एक बिना रूट वाला मेथड भी बताया है आपको, जिसका वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपको जाना है उसी मेथड से, पहले कैमरा टू API अनेबल करना होगा ताकि आप ये गूगल कैमरा अपने Redmi Note 6 Pro में यूज़ कर पाओ। अगर आपने वो नहीं करा है तो आपके फ़ोन के अंदर नहीं चलेगा। तो जो लोग वीडियो नहीं देखते हैं डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करके लोड कर लेते हैं तो उनके लिए ये चीज है यार, आप वीडियो पूरी देखो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको कैमरा टू API अनेबल करना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये गूगल कैमरा का भी लिंक मिल जाएगा। एक बार आपने कैमरा टू API अनेबल कर लिया, आपको सिंपली इस गूगल कैमरा को डाउनलोड कर लेना है अपने फोन के अंदर और इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद जो भी परमिशन आपसे मांगता है सारी परमिशन आप इसको दे दो ताकि ये आपका वर्क करे। यार परमिशन नहीं दोगे तो वर्क नहीं करेगा और फिर कहोगे यार बेकार गूगल कैमरा दे दिया। तो यहां पे एक एक करके आपको टेस्ट आउट कराता हूं थोड़े थोड़े इसके फीचर्स जो आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले देख लो कैमरा आपका सिंपल मोड यहां पे ये देखने को मिलता है और ये है मेरा सामने आयरन मैन। इसकी एक पिक क्लिक करके दिखाता हूं आपको और देखते हैं किस तरीके से होती है। तो देख सकते हो तुरंत ही पिक क्लिक हो जाती है और 7.2 में आपको क्लिक होने के बाद भी डायरेक्टली शेयर करने का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छा ऑप्शन रहता है। और यहाँ पे ये इस तरीके से पिक निकल के आई है। ओके, तो पिक मैंने थोड़ी टेढ़ी खींच दी जो कि इस तरीके से आपको देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ ये पिक निकल के आती है। एक और पिक आपको खींच के दिखाता हूँ जो कि थोड़ी सही से आए ताकि यहाँ पे हम देख पाएँ। तो ये देखो आप, तो अब देख सकते हो इस तरीके से पिक आई है, बिल्कुल डिटेल्ड पिक आपकी रहती है। एज डिटेक्शन देख सकते हो कितना अच्छा और रियल कलर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं, ये चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। इसी के अलावा आप यहाँ पे और भी सेटिंग अपनी चेंज कर सकते हो, फेस रिटचिंग बंद कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। HDR आप इन्हेंस भी कर सकते हो, मोशन जिसमें देखने को मिलता है, फ्लैश चालू बंद का भी ऑप्शन यहाँ पे इसी तरीके से देखने को मिलता है। उसके अलावा दूसरा मोड है पोर्ट्रेट मोड, जो भी आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। तो पोर्ट्रेट मोड के लिए यहां पे आपका यार ह्यूमन सब्जेक्ट होना चाहिए, तब ज्यादा अच्छे से यहां पे क्लिक करता है। अगर आपका ह्यूमन सब्जेक्ट नहीं है तो कभी कभी हो सकता है कि आपका पोर्ट्रेट मोड शॉट ना ले, तो रिकमेंडेड है कि आपका यहां पे ह्यूमन होना चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था तो कुछ बग है, तो ये बग है कि अगर आप पोर्ट्रेट मोड में लेते हो शॉट ले लेगा, काफी अच्छे से आ जाएगा, लेकिन अगर आप प्रीव्यू में जाके यहीं से इस शॉट को ओपन करके देखना चाहोगे तो ये नहीं होगा, कैमरा बंद हो जाएगा। तो उसके लिए आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, गैलरी में हम इजिली जाके देख सकते हैं, जहां भी आपने पिक क्लिक करी है वो गैलरी में शो कर देगा। तो गैलरी में आपको एल्बम में देखने को मिल जाएगी, तो देख सकते हो इधर कैमरे में आ गई है और आप इसमें देख सकते हो। तो जैसे कि मैंने कहा ह्यूमन सब्जेक्ट रहेगा तब भी पोर्ट्रेट मोड लेता है, वरना पोर्ट्रेट मोड नहीं लेता है। ये तो गूगल कैमरा की पुरानी आदत है यार, क्या करना चाहिए। उसके अलावा आपको एक नाइट मोड, नाइट साइड भी देखने को मिलती है, जिसमें एक पिक हम एक और बार क्लिक करते हैं जो कि नाइट साइड, यार इसके अंदर आपको एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड भी मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा रहता है।
प्रोसेसिंग भी होती है यहाँ पे देख सकते हो, जो कि Redmi Note 6 Pro में है तो थोड़ी स्लो होती है, लेकिन हो जाती है और वर्किंग मिलता है, तो ये सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे समझता हूँ कि आपको Note 6 Pro में मिल जाता है। तो प्रोसेसिंग होती है, उससे पहले आपको और भी कुछ दिखा दूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग वीडियो के बारे में भी पूछते हैं, वीडियो रिकॉर्ड होती है कि नहीं, तो जी हाँ, इसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग भी अनेबल कराई गई है। थोड़ा लैग कभी हो सकता है, हो, लेकिन अगर आप एक दो चीज़, जैसे फोटो अभी मैंने खींची, पोर्ट्रेट मोड की खींची, उससे पहले एक और फोटो खींची, अगर आप एक दो चीज़ बार बार करोगे तो उसके बाद आपका कैमरा यहाँ पे थोड़ा सा लैग होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, तो ये जो चिप है ना वो सपोर्ट इतने अच्छे से नहीं करती है, लेकिन तब भी देख सकते हो वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे काफ़ी स्मूथ आपको देखने को मिल रही है। वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर कितना जूम है, 5x तक आप जूम भी कर सकते हो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर। उसी के अलावा मोर में आपको स्लो मोशन भी देखने को मिलता है, जो कि ऑफकोर्स की बात है वर्क नहीं करता है, ना ही Redmi Note 5 Pro में, ना ही Redmi Note 6 Pro में नहीं वर्क करेगा, और टाइम लैप्स वर्क करता हुआ आपको यहाँ पे मिल जाता है। और सीधे सीधे फ्रंट कैमरे में भी सेम चीज़ आपको देखने को मिलती है, और फ्रंट कैमरा भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, तो पोर्ट्रेट मोड शॉट या कोई और भी शॉट लेना है तो आपको काफ़ी आसानी से देखने को मिल जाएगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये कैमरा देखने को मिलता है, गूगल कैमरा 7.2, जो कि बहुत सारे डिवाइस के लिए हमको मिल भी नहीं पाता है। तो ये देख सकते हो, ये है इसकी नाइट साइड के पे क्या क्वालिटी में निकल के आई है, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो बस इतना सा आपको यहाँ पे काम करना है, आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सिंपली जाके इंस्टॉल कर लो और गूगल कैमरा 7.2 देख सकते हो। उससे पहले आपको दिखा दूँ कि सेटिंग्स यहाँ पे भी बहुत सारी देखने को मिलती है, आप सेटिंग्स अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, और ज़रूरत वैसे नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ऑलरेडी कस्टमाइज है, लेकिन अगर आपको अपने हिसाब से सेटिंग कोई चेंज करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। इसमें कोई XML फाइल आपको लोड नहीं करनी पड़ती है, सिंपल जो सेटिंग है आप उसी से कर सकते हो। और अगर आपको एस्ट्रोफोटोग्राफी मोड चाहिए तो आप यहाँ पे फोर्स एस्ट्रोफोटोग्राफी मोड के ऑप्शन को अनेबल कर दो, जिससे यहाँ पे एस्ट्रोफोटोग्राफी मोड आपका वर्क करने लगेगा। आप नाइट साइड में जाओगे, आपका अगर हैंड हेल्ड भी है तब भी आपका वर्क करेगा, तो कोई भी दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं आएगी। तो ये सब चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये था सिंपल सा यार गूगल कैमरा 7.2 फॉर Redmi Note 6 Pro। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और भी इसके ऊपर मैंने कई सारी वीडियोस बनाई है Redmi Note 6 Pro पे, तो देख लो, लिंक आपको देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो फिलहाल तो इस वीडियो में तही, मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।